महिमा जी, जफर साहब ये कह रहे हैं कि भाई आप आज खाते में 2000 रुपया, आज आप कहते हैं कि हम जनता को ये सहूलियत देंगे। मोदी जी का तो बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, जब से आए हैं एक के बाद एक वेलफेयर स्कीम चलाई है। जय हिंद। एक कहावत याद आ रही है आज सौरभ जी, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, और एक दूसरी कहावत याद आ रही है, दाएं दिखा के बाएं जाना। ये दोनों ही आज भाजपा को परिभाषित करती हैं, क्योंकि देखिए 185% इजाफा किया एलपीजी के दाम में 2014 से लेकर 2023 तक भाजपा ने। 2014 में जो सिलेंडर, सब्सिडाइज सिलेंडर 414 का मिलता था, आज इन्होंने सब्सिडी हटा दी। जून 2020 के अंदर भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में सब्सिडी हटाई, जिसकी कभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की। किसी नागरिक को पता हो तो बता दीजिए, 2020 जून के बाद से किसी के खाते में कोई सब्सिडी नहीं आई है, जिसके चलते भारत सरकार ने वो सब्सिडी चुपचाप बंद करके 11,654 करोड़ रुपए की बचत की। अब उस बचत का क्या किया, वो वैसे ही जैसे पीएम केयर्स का कोई फंड नहीं है, जैसे जो फंड का मतलब कोई हिसाब किताब नहीं है, टोल जो इकट्ठा किया है इन्होंने लाखों करोड़ का, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उसका क्या कर रहे हैं, उसी प्रकार से चुपचाप गुप्त दरवाजे से ये जो जब अध्यादेश ला रहे थे उसी समय सब्सिडी ले जा रहे थे, जिसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की, उसका क्या किया वो भी किसी को पता नहीं है। आज जो 200 रुपए की सब्सिडी ये बता रहे हैं, उसका ठीकरा इन्होंने ऑयल कंपनीज के सर फोड़ा है। वो ऑयल कंपनीज को भरपाई करनी है उसकी। सरकार सिर्फ और सिर्फ जो उज्ज्वला योजना के तहत जो बहनें आती हैं, जिसमें लगभग सिर्फ 200 करोड़ के आसपास की सब्सिडी दी जाती है, सिर्फ उसका बोझ सरकार उठाने जा रही है। तो पहली बात तो ये सच्चाई है इनकी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स की जी। दूसरी बात ये कि आज आप यदि देखेंगे सौरभ जी, तो खाद्य मुद्रा स्फीति, जिसको हम फूड प्राइस इन्फ्लेशन बोलते हैं, वो डबल डिजिट में है, 15 महीने के सर्वाधिक दर पर है, वो 11.5% है। उसके अलावा खुदरा मुद्रा स्फीति, जिसको आप एनुअल प्राइस इन्फ्लेशन बोलते हैं, वो 3.5 साल के सर्वाधिक दर पर है, वो 7.44% आज है इस देश के अंदर। हर भारतीय नागरिक के ऊपर जो आज कर्ज है वर्ल्ड बैंक का, वो 2.5 गुना बढ़ गया है। ये आंकड़े आज आप पहले महंगाई की बात करते हैं महिमा जी, अभी जो आपने आपने आंकड़े बताए, तो ये जो ये जो ये 200 रुपया जो ये 200 रुपया सस्ता सिलेंडर इन्होंने किया है, क्या ये उस महंगाई को देखते हुए नहीं किया, क्या उस पर असर नहीं पड़ेगा इसका? देखिए, जैसा आपने पहले कहा था, महंगाई आज इनको माननी पड़ गई। 200 रुपए जो सब्सिडी चोरी चोरी करके 500 का सिलेंडर होता था, आज 1141 का देने लग गए, आज इनको चुपचाप वापस देनी पड़ रही है, जो ये मानते नहीं थे कि महंगाई है। हम ये कहते हैं राजस्थान 500 रुपए का सिलेंडर दे रहा है, आप हमारी नकल करके आज मध्य प्रदेश में 450 रुपए घोषणा करने पर तो मजबूर हो गए, पर ऐसी नकल अच्छी है। हम ये कहते हैं 500 रुपए का सिलेंडर देना मुमकिन है, आप 500 रुपए का सिलेंडर घोषित कीजिए और दीजिए, कि 200 रुपए की जो आप दाएं दिखाकर बाए जा रहे हैं हमारे देश की, जवाब लेंगे उनसे। आप कह रहे हैं कि हम तो 500 में दे रहे हैं, आपने तो अभी 200 रुपया कम किया, समझ नहीं। एक बार जरा अनुराग भदौरिया जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।